हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आपने देख ही लिया होगा कि देव तो मुंबई के लिए निकल चुके हैं एंड हमने सी ऑफ कर ही दिया था नाइट में और अब मॉर्निंग हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ से व्लॉग बनाऊँ और वो वहाँ से व्लॉग बनाएंगे। तो नहा लिए, आज संडे है तो कुछ ऐसा कुछ प्लान नहीं है एंड दिस इज माई टूडेज लुक। और बस कुछ ऐसा खास कोई प्लान नहीं है। आज मेरी फ्रेंड संगना जो आप मिली थे व्लॉग में उसके साथ जाना है, उसके घर की थोड़ी शिफ्टिंग वगैरह करानी है। बच्चे भी नहा के रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है बच्चों ने और वो मस्ती टाइम अपना इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी सब कर चुकी हूँ। संजना अभी वो रेडी हो रही है, उसका लगेज वगैरह इधर। तो अच्छा लग रहा है यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक होता है ना अपना ड्रीम टाइप पीजी हॉस्टल, बिकॉज मैं कभी हॉस्टल पीजी में नहीं हूँ। तो अभी हम दोनों बच्चों के साथ, हम दोनों फ्रेंड्स रह रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम 10 साल पहले मिले थे और तब सोचा भी नहीं था कि मतलब हमारी जर्नी इतनी लंबी रहेगी और आज इतनी अच्छी हमारी जर्नी चल रही है। हमारे बच्चे गेट अलॉन्ग होते हैं एक दूसरे के साथ, इंजॉय करते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप उधर देखते रहो कि मुंबई में क्या हो रहा है और थोड़ा थोड़ा दिल्ली में भी आपको व्लॉग देखने को मिलता रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? जय श्री राम आप सभी को। आई होप अच्छे ही होंगे। और सुबह का टाइम हो रहा है 11:56, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ ऑटो या कैब से, बाइक पे नहीं जाऊँगा। मैं जा रहा हूँ पहले सिद्धि विनायक मंदिर और उसके बाद जाऊँगा बीइंग ह्यूमन के स्टोर, सिद्धि विनायक मंदिर का दर्शन कर लूँ और बीइंग ह्यूमन से अपना कुछ शॉपिंग करनी है घर वालों के लिए और अपने फ्रेंड के लिए। बाइक से इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सिद्धि विनायक मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, लेकिन पार्किंग की दिक्कत हो सकती है और बीइंग ह्यूमन स्टोर पे मेरे को शॉपिंग करनी है तो फिर कैरी करने में दिक्कत होगी, बैग लेके जाना पड़ेगा, तो इस वजह से। बाकी शाम का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि शायद मैं भी वहाँ बाइक लेके पवई जाऊँगा और विले पार्ले जाऊँगा। तो अब मैं जाता हूँ और मिलते फिर आपसे ऑटो या कैब जो भी मिलेगा जो वहाँ पे सर्विस है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है कुछ रूल्स की जहाँ कई जगह ऑटो जाते हैं कई जगह अपना कैब जाती हैं। तो तुम्हारा देव भाई मुंबई के ऑटो में घूमता हुआ। और अभी पहले मैं जा रहा हूँ कहाँ पे, अपना बीइंग ह्यूमन के स्टोर, क्योंकि मैंने पता किया कि वहाँ पे सिर्फ कैब जाती है, ऑटो नहीं जाता सिद्धि विनायक। तो इधर से अगर कैब बुक करते होटल से तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक जैम रहता है। और फिर मैंने कहा चलो पहले बीइंग ह्यूमन स्टोर चले जाता हूँ और उसके बाद फिर वहीं से कैब करके सिद्धि विनायक मंदिर चले आऊँगा और फिर वापस अपने होटल बस पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ा सा ये यहाँ से क्लोज में ही है अपना और स्टोर अपना, वहाँ से कुछ शॉपिंग करते हैं और दिखाते हैं फिर क्या क्या लिया, किसके क्या लिया। ये रही बॉम्बे की, मुंबई की मार्केट। मैं कितनी बार मुंबई बोलने की कोशिश करता हूँ, मुंबई एक वो चढ़ा होता ना, क्या कहते हैं भैया भाई साहब अपना बॉम्बे, वो बॉम्बे ही निकलता है, मुंबई निकलता ही नहीं है। बॉम्बे सुनने में अच्छा लगता है, ये बात तो है। और यहाँ पे 23 रुपीज फेयर से स्टार्ट होता है एक टाइम पे शायद ये। अच्छा जी, हाँ ये मार्केट लिंकिंग रोड की। हाँ जी हाँ जी, मैं घूमा हूँ पैदल भी यहाँ पे, वॉक करता हुआ, कार से भी आया था लास्ट ईयर फैमिली के साथ, तब भी घूमा हुआ सारा। ये लिंकिंग रोड बैंड्रा की अपना यहाँ मार्केट है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। और एक टाइम पे जब मैं यहाँ ऑटो में घूमता था शायद 12 रुपये या 15 रुपये के आसपास से स्टार्ट होता था फेयर, और लास्ट ईयर शायद 20 रुपये था या 18 रुपये कुछ ऐसे था, मेरे को 18 था ना। हाँ क्योंकि बॉम्बे में बहुत बार आया हूँ मैं यहाँ पे। सो मैं पहुँच गया हूँ अपनी डेस्टिनेशन बीइंग ह्यूमन के स्टोर। ये रहा बीइंग ह्यूमन का स्टोर और कितना बिल बना मेरा 58, बाकी भैया बताएंगे 58 ही। चलो 58 देते हैं और फिर अंदर जाते हैं। ये हमारे भैया बहुत स्वीट है, क्या नाम है आपका? कुरेशी जी, बढ़िया मिला आपसे मिलकर। अब पहुंच गए हम अपने बीइंग ह्यूमन के स्टोर, चलते हैं। सो फाइनली शॉपिंग डन, ले लिए जिन जिन के लिए मैंने लेने थे। और ये है अंदर से सलमान खान का आउटलेट बीइंग ह्यूमन स्टोर। ये रही सब कलेक्शंस, स्कूल कलेक्शंस हैं। और ये रहा हमारा बैग जो शॉपिंग करनी थी, मैंने भैया सुप्रीत भैया के लिए भी ले लिया और आदमी के लिए छोटा सा कुछ लिया और प्रियंका के लिए भी ले लिया। अब देखो उन्हें पसंद आता है कि नहीं आता।
यहाँ पे पहले बड़ी सी सलमान की फोटो हुआ करती थी, यहाँ पहले एक बड़ी सी सलमान की फोटो हुआ करती थी सामने इस वाले बॉल पे। अच्छा नहीं, यहाँ भी था हाथ। आई डोंट थिंक सो। अच्छा ये तो ऊपर देखा होगा फिर मैंने। ओके ओके, हाँ ठीक 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 ठीक। ये रही सलमान खान की पिक्चर, एडवर्टाइजमेंट चल रही है स्क्रीन पे। अब चलते हैं सिद्धिविनायक मंदिर, करते हैं कैब बुक। सो हमारी कैब आ गई है, अब मैं जा रहा हूँ सिद्धिविनायक मंदिर। और ये रही हमारी कैब, ये रही हमारी कैब, कौन सी आई है, ऑरा। चले भैया सिद्धिविनायक मंदिर दादर, लोकेशन तो आई गई होगी आप पे। ओटीपी चाहिए, वेट अ मिनट। पहुंच ही जा रहे हैं और भैया से एक चीज पूछते हैं। भैया एक बात बताओ, अगर मुझे गेट ऑफ इंडिया मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट बाइक से जाना हो तो किस समय निकलूं जब बिल्कुल ट्रैफिक ना मिले, आना जाना कर रहा हूं तो? ये दोपहर में ही रहेगा। आफ्टरनून में सही रहेगा? अच्छा, पर लेकिन मैं अपनी बाइक से, क्योंकि सीलिंग से नहीं जा सकता ना, बाइक तो वहां पे अलाउड नहीं है। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो दूसरा रूट होगा तो उसके लिए क्या रहेगा बेस्ट टाइमिंग? अच्छा तब भी ठीक रहेगा, अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा था या तो सुबह 6-7 बजे निकल जाओ, वापसी 8 बजे, फिर सुबह में निकलेंगे और फ्री रहेगा, फ्री तो वो तो रहेगा रहेगा, या और वापसी 8 बजे तक आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। नहीं, और बेहतर रहेगा बाइक से। चलो ठीक है, हाँ जी अच्छा, नॉर्मल रास्ते तो यही रूट रहेगा मेरे को जाने के लिए। हाँ ये भी रहेगा अपना, वो साइड का रोड है, पाइप रोड है, दादर वाला है, ओके ओके, सब ये तीनों सीधे उधर ही आते हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ अभी भी थोड़ा बहुत नॉर्मल ट्रैफिक है। हाँ, लेकिन अगर मैं सुबह जाऊँ तो ज्यादा बेटर है, गर्मी भी कम रहेगी और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा, गर्म भी कम रहेगा। हाँ वो तो है, ये सही है, कोशिश कर तो कल सुबह निकलने की अपना मरीन ड्राइव गेट ऑफ इंडिया अपनी बाइक लेके जाने का। अब दिल्ली से मेहनत करके लेके आए बाइक तो कुछ तो करना ही है ना वहाँ। फाइनली अपन पहुंच गए सिद्धिविनायक मंदिर और जाते हैं अंदर दर्शन करके आते हैं। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। सो ये मैंने प्रसाद ले लिया मंदिर में चढ़ाने के लिए, माला है और ये मोदक है और लाइन में लगा हूँ। ये रहा मंदिर सिद्धिविनायक का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है अपना बॉम्बे का। बाकी यहाँ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर सकता था, अभी देखता हूँ अगर अंदर पॉसिबल होगा तो ठीक है। काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई, लाइन काफ़ी है। आप ये रश देख रहे हो कितना ज़्यादा है, सामने तो बुरा हाल है रश का। और ये है आई थिंक फ्री एंट्री, जहाँ पे पे नहीं करना पड़ता। और जिस लाइन में मैं लगा वो है 100 रुपीज़ की एंट्री, इससे थोड़ा जल्दी दर्शन होने का टाइम, जल्दी दर्शन हो सकते हैं। अब ये हर जगह हर मंदिरों में हो गया है, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे महाकाल का मंदिर उज्जैन में हो, या ये सिद्धिविनायक मंदिर हो, अब हर जगह एंट्री करके ही अपना पैसे देके आप दर्शन करो जल्दी से जल्दी। अब बिजनेस बना लिया, अब ये सही है गलत है कमेंट में करके जरूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या है, ये होना चाहिए ऐसे कि नहीं होना चाहिए। सो अच्छे से दर्शन हो गए, बढ़िया से। अब वापस मैं अपने होटल जा रहा हूँ और ये बाकी प्रसाद तो चढ़ा लिया, ये इन्होंने मेरे को दिया। और अपने साले साहब के लिए मैंने छोटे से सिद्धिविनायक की मूर्ति ली है गणेश जी की, वहाँ पे कार में लगाने के लिए। अच्छे दर्शन हुए, आराम से हुए, बढ़िया दर्शन कर लिए, मैंने बना ली वीडियो फिर भी। अब जाते हैं बाहर, अपने बैग लेते हैं और स्लीपर वेयर करके कैब बुक करते हैं, चलते हैं। बच्चे जाने से पहले कह रहे हैं थोड़ी साइकिलिंग करनी है, मैंने कहा अभी बहुत गर्मी हो रही है, तुम लोग ऐसे चला लो, ये लोग अब बालकनी पे चला रहे हैं। सो गाइज हम निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं पहले संजना का घर देखने, और ये है संजना। हाय।
व्हाट्सएप आया पता नहीं शायद वो व्लॉग बन रहा है ना वहाँ पर। कोई नहीं तो कब पास कर ले कोई बात नहीं। तो निकल गए और निकलते ही सबसे पहले लग रहा है कि पंक्चर है तो हम वो कर रहे हैं अभी उसी के लिए हवा वगैरह। मासी हेल्प कर देगी आपको। ये हमने अच्छा किया हुआ कि फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट बच्चे एंगेज रहते हैं काफी चीजें हैं। तो मैं अब आगे अपने रूम में और दिखाता हूँ मैंने कि बीइंग ह्यूमन से क्या शॉपिंग करी है भैया के लिए, प्रियंका के लिए और आदवी के लिए। पर आदवी का इससे कम बनेगा नहीं, उसके लिए मेरे को मार्केट में दोबारा जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे किड सेक्शन बंद कर दिया इन्होंने काफी टाइम से। तो आदवी के लिए मेरे को कपड़े तो मिले नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये रहा बीइंग ह्यूमन का बैग, ये एक आदवी के लिए छोटा सा मैंने बैंड रिस कर दिया है बैंड बीइंग ह्यूमन का। ये राहुल के लिए मेरे साले साहब के लिए वो गणपति जी हैं उनकी कार में लगाने के लिए। ये हमारा बिल, इसको करते प्रसाद को साइड, ये सिद्धि विनायक से प्रसाद जो मिला। ये भाई ये है प्रियंका के लिए डॉली के लिए टी शर्ट टॉप जो भी टी शर्ट, ये लॉन्ग टी शर्ट और ये उसका लोअर, आई होप उसे पसंद आ जाए। ये क्या है, स्टिकर सा लगा हुआ है, उसे अच्छा लगे आई होप, क्योंकि उसकी चॉइस ज़रा ऐसी ही है। और भैया के लिए मैंने ली है ये टी शर्ट, वैसे ये टी शर्ट तो इस लोअर से मैच कर रही है। वेट अ मिनट, ये टी शर्ट है भैया के लिए, मेरे साइज का कुछ मिला नहीं क्योंकि मेरे साइज से कपड़े आते नहीं हैं तो इसलिए कुछ लिया नहीं मैंने अपने लिए। कोई बात नहीं, मेरा तो बॉम्बे घूमना हो गया, मेरे तो वही बहुत। गाइस चलो अब हम कुछ एक नया देखने जा रहे हैं, मिरर मेज और अभी बच्चों के साथ एक नई चीज आज देख रहे हैं, टच करते रहो भाई। चलो अच्छा तू आई है, मैं नहीं आऊँ। हमें ग्लव्स भी दिए हैं कि हम टच करते रहे और उनके ग्लासेस गंदे ना हो। फिर बच्चों को रास्ता पता, बच्चे वो ओके और काम करते हो। रुक जाओ स्लो चलो जल्दी। हाँ आदरिक कैसा लग रहा है आपको? प्रिजली आपको अच्छा लग रहा है? नहीं नहीं यहाँ से हाँ हो गया फिनिश। ओह अच्छा शॉर्ट था बट क्यूट था।